सो हेलो गाइस तो ये सीरीज हम बहुत ही लेट अपलोड कर रहे हैं लेकिन हम सारे एपिसोड को मिला रहे हैं साथ ही आगे से हम कोशिश करेंगे कि कोई भी एपिसोड लेट ना हो तो पिछले पार्ट को आप फिर से वॉच कर सकते हो कहानी क्योंकि उसी के आगे से कंटिन्यू होगी हमने देखा था की कि यूनफेंग किंग को और उनके फैमिली को बचाने के लिए इस लोकेशन पर गया हुआ था जहाँ पर किंग को किडनैप करके ले जाया गया था यहाँ पहुँच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जिसमे यूनफेंग जीत रहा था लेकिन अचानक से ही वहाँ पर एक शिफा आती है और उसके अंदर एक यंग मास्टर बैठा हुआ था अब देखिए यहाँ से कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है इसीलिए रिप्लाई करेंगे कि आपको इसलिए समझ में आ सके पहली चीज कि यहाँ पर यूनफेंग जिन लोगों से लड़ रहा है वो असल में उससे बदला लेना चाहते हैं और उन्हें खबर मिली थी कि जो किंग है उन्होंने भी यून की मदद की है इसीलिए वो उन्हें यहाँ पर किडनेप कर कर लाए हैं अभी यूनफेंग और बाकी सभी की फाइट चल रही थी तभी वो यंग मास्टर वहाँ नीचे आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है सभी लोग रुक जाते हैं और उसे देख बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं अब इस यंग मास्टर का नाम मेकी है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है यहाँ तक सभी सेक्टर मास्टर में सबसे ज्यादा सभी लोग पहले यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने बहुत ही कम एज में इतनी पावर को अचीव कर लिया है वैसे किसी को भी नहीं पता था कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है तो इसलिए अब उसी से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है जिस चीज पर मिकी बताता है कि वो यहाँ पर कंफ्यूजन को मिटाने के लिए और यून फैंक को इनोसेंट यानी कि बेकसूर साबित करने के लिए आया है अब किसी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था वैसे भी सभी लोग को लग रहा था कि यूनफेंग की गलती है इसीलिए वो मिक्की के समझना नहीं चाहते थे लेकिन मिक्की बहुत ताकतवर है और साथ ही उसकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है इस वजह से उन्हें उसकी बात एक बार सुननी ही पड़ती है अब मिक्की उनसे कहता है कि यूनफेंग की गलती नहीं है ये सब कोई उसे फंसाने के लिए कर रहा है मगर अब कोई भी इस बात यकीन नहीं कर रहा था और वैसे भी सब इस सब चीज की शुरुआत हुई थी उस किंग की बर्थडे पार्टी से जहाँ ये सीरीज शुरू हुई थी अब आपको याद होगा कि उस किंग को हराने के बाद यून फेंग उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें किसने मारा इस सब के पीछे कौन है लेकिन यूनफेंग जब ऐसा पूछ रहा था इतने में ही कोई अटैक कर अब उस किंग को मार देता है अगर यहाँ पर अब इस लड़के मिक्की के पास उस समय वो क्लिप थी वो सभी को वो क्लिप दिखाता है और कहता है की देखो यून बस उससे पूछ रहा था और इतने में ही वो पे किसी ने उस किंग को मार दिया जिससे कि सच बाहर ना आ पाए। अब ये बात सही थी लेकिन वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि इसके अलावा भी और भी कई सारे इंसिडेंट हुए थे जैसे कि वो आपको याद होगा कि जंगल में कई लोग को मार दिया था और वो सभी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी उसके बाद बहुत बड़ा लफड़ा भी हुआ था मतलब सभी लोग आए थे कि उन्हें यून फेंग चाहिए वो उसे मार कर ही अपना बदला लेंगे लेकिन बाद में यून फेंग को अब कुछ नहीं हुआ था और यून फेंग निर्दोष साबित हो गया था लेकिन अब जब ये बात निकली है तो सब लोग वापस से ये बात उठाते हैं वो कह रहे थे कि इस इंसिडेंट में साफ साफ यून फेंग की गलती है लेकिन फिर यहाँ पर मिखी उस जगह की भी क्लिप दिखाता है और कहता है कि वहाँ पर और भी कई सारे लोग थे जो कि, कि किसी को नजर नहीं आए ये सब उन्हीं ने किया था बस आपको साफ साफ समझाता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है और अब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एक निर्दोष को सजा देकर क्योंकि वैसे भी अब इस चीज से आपको अपना बदला नहीं मिलेगा मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को मिलकर अब उस असली मुजरिम को ढूंढना चाहिए अब वैसे तो लोग नहीं समझ रहे थे पर जो कुछ कुछ समझदार वो एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के समझते हैं जिसके पास सभी चीज के लिए तैयार थे क्यूँ सच में अब जो असली मुजरिम है उसको अब ढूंढना चाहिए यहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि आखिर इम्प्रेस कहाँ है वही तो किंग को यहाँ पर लेकर आई थी हमें इस बारे में उससे भी बात करनी चाहिए पर मिकी कहता है कि मुझे शक है कि वो जो असली इम्प्रेस नहीं है सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी ये चीज़ तुम कैसे कह सकते हो क्या इसका भी कोई सबूत है मिक्के तुरंत श्याह को आर्म्स के आने को कहता है और उससे बोलता है कि तुम्हें इन लोगों को बताओ कि असली बात क्या है अब अभिषिया जी आगे आती है और बताती है कि असल में वो असली एम्प्रेस की बेटी है और उसके बाद वो अपनी फैमिली सील यानी कि वो ड्रैगन दिखाती है और एक सीन भी दिखाती है जिससे साबित होता है कि असल में वही प्रिंसेस है ये देखकर वो सभी लोग शौक हैं किसी को भी यकीन नहीं हुआ था मगर सील देखने के बाद अब उन सभी को यकीन होना ही होता है लेकिन अब जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है उन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन सभी के साथ धोखा हुआ था अब इस चीज पर वहाँ के सबसे स्ट्रोंग एल्डर ये बात कहते हैं कि हमें फेंग एम्प्रेस के ऊपर कुछ एक्शन लेना होगा वो शियाओजी से कहते हैं कि तुम हमारे सभी सेक्टर को कंट्रोल कर सकती हो क्योंकि असल में तुम प्रिंसेस हो वैसे यहाँ पर मिक्की भी कह रहा था कि हाँ अब तुम्हें सभी को लीड करना चाहिए इस पर शियाओजी अब कुछ नहीं कहती पर अब उन्हें तो अब कुछ एक्शन लेना ही था वैसे यहाँ यून फेंग के मन में भी चल रहा था कि भले सब कुछ हमारे तरफ हुआ मतलब उन लोगों को लड़ना नहीं पड़ा वो लोग निर्दोष है वह साबित हो गई, लेकिन उसे अभी भी शक है कि ये सब और कोई कंट्रोल कर रहा है वैसे अभी वो ये भी सोच रहा था कितने सारे लोग उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो इन लोगों को मना नहीं कर सकता अब जब यूनफेंग आगे बढ़ रहा था तभी श्याओजी कहती है कि अभी किंग को थोड़ी चोट लगी है और यूनफेंग ने भी फीड की है तो अभी यून को भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए इसीलिए वो मिक्की का प्लान सोचने को कहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए अब मिक्की इस बात को मान जाता है और उसके बाद यूनफेंग और बाकी सभी लोग वहा से सीधा वापस किंग के मैंशन में लौट आते हैं अब यहाँ पर आने के बाद वो लोग आस पास बैरियर टाइप की चीज क्रिएट करते हैं जिससे कि उनकी आवाज पर कोई भी ना सुन सके यहाँ पर शियाओजी कह रही थी कि भले ही मिक्की में आकर उनकी मदद की हो लेकिन उसे मिक्की पर शक है उसका कहना यह था कि अगर मिक्की को सब बात बताती है वो पहले से शियाओजी के पास आकर ये सब क्यों नहीं बताया शियाओजी कह रही थी कि मिक्की को बस इसी मौके की तलाश थी कि कब वो सभी एल्डर यून को पकड़ ले और फिर मिक्की जा यून को बचाए और उसकी नजर में वो अच्छा बन सके उसके कहने का मतलब यही था कि मिक्की को सब कुछ पहले से पता था यून फेंग को भी ये बात सही लगती है और वो भी कहता है कि हाँ ये बात तो सच है तो अगर मिक्की ये बात जानता था तो वो पहले हमसे कांटेक्ट कर सकता था ना वैसे भले ही उनके मन में तो ज्यादा कंफ्यूजन हो लेकिन फिर भी वो भी मिक्की से वो कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि मिक्की उनकी मदद कर रहा है और बाकी सभी लोगों की नज़र में वो एक अच्छा आदमी है यून फेंग कहता है कि अभी बस हमें देखना अच्छा होगा कि मिक्की और बाकी सभी लोग क्या फैसला लेते हैं अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ हॉल में आते हैं जहाँ पर ये सब डिस्कशन चल रहा था कि उन्हें अब आगे क्या करना है अब फेक एम्प्रेस की लोकेशन पता चल चुकी थी वो एक गुफा के अंदर है पर वो गुफा कोई मामूली नहीं है ये लोग आपस से बातचीत कर रही है कि डिसाइड करते हैं कि नहीं उसे गुफा को तबाह करना होगा क्योंकि वो फेक प्रिंसेस के रहने की जगह है मिक्की बहुत ही समझदारी से कहता है कि अगर आप सभी लोग ये चीज़ कह रहे हो तो मुझे ये चीज़ मंजूर है साथ ही वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ ही टाइम है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलेंगे अब एक बार फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिक्की और श्याओजी इस वक्त वापस से बात कर रहे थे तो असल में मिक्की श्याओजी का अंकल लगता है मिक्की कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने होंगे लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देता हूँ तो असल में जैसे ही मैं आजाद हुआ तो मैंने सारी रिसर्च करनी चालू की उस इम्प्रेस के बारे में क्योंकि मुझे शक हो चुका था और रिसर्च के दौरान मुझे सारी बातें पता चली और ये भी की तुम किस माउंटेन पर थी और और फिर उसके बाद तुम किस तरह ऐसी यून से मिली मैं भी जानता हूँ कि तुम कुछ फेक इम्प्रेस से बदला लेना चाहती हो इसीलिए हमने फैसला लिया है कि हम जाकर उसकी गुफा को खत्म कर देंगे अब इस चीज़ पर श्याओजी पूछने लगती है कि इस चीज़ से क्या होगा तो मिक्की बताता है कि वो गुफा उसे फेक इम्प्रेस एनर्जी का सोर्स है अगर हम उसे खत्म कर दे तो इससे फेक इम्प्रेस की एनर्जी कम हो जाएगी फिर हम उसे हरा सकते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स उसके कब्जे में हैं। इसीलिए हम उसकी पूरी पाव से नहीं लड़ सकती। जब वो कमजोर होगी हमें तभी उस पर अटैक करना होगा जिससे कि वो और कुछ चाले ना चल पाए अब यहाँ पर शियाओजी कहने लगती है कि उस गुफा को डिस्ट्रॉय करने से फेक की नजीक कम पड़ जाएगी तो इस चीज का क्या भरोसा है अब मिक्की कहता है कि नहीं हम कोशिश करें बिना अब कुछ नहीं कह सकते इसलिए पहले हमें कोशिश करनी होगी अब शियाओजी भी हाँ कर देती है अब यहाँ से सीन चेंज होता है एक एल्डर को देखते हैं जो कि अभी यूनफेंग के पास बैठे हुए थे और साथ ही वहाँ पर जिफान भी खड़ा हुआ था यून फेंग उन्हें एक स्क्रॉल दे रहा था जिसमें एक टेक्निक लिखी हुई है पर एल्डर उसे लेने से मना कर रहे थे लेकिन अब यूनफेंग उन्हें वो जबरदस्ती दे देता है साथ ही वो अब उन्हें वो कुछ पिल भी देता है क्योंकि उन लोगों को जो सफर है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है अब एल्डर उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगते है तभी वहाँ पर श्याओजी आ जाती है अब वो लोग चले गए थे इसीलिए अब श्यावजी यहाँ पर आकर यून फेंग को सारी बातें बताती है जो की उसे मिक्की ने बताई थी साथ ही वो ये भी कहती है की हम भी लोगों के साथ जा रहे हैं इस पर यून फेंग कहता है कि बहुत अच्छे वैसे श्याव के मन में डर था कि वो लोग फेक इम्प्रेस का सामना कैसे करेंगे अब यून फेंग उसे समझाता है कि चिंता करने की बात नहीं है हमें हमारा बदला लेना है जिसके लिए हमें कभी न कभी उसे लड़ना ही था इस पर श्याव कहती है की हाँ तुम सही कह रहे हो अब सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि सभी सेक्टर के जितने लोग भी वहाँ पर जाने वाले थे वो निकल चुके थे अब कुछ देर बाद वो उस वैली के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो गुफा है और वहीं पर वो वैली का सेक्टर है जहाँ के अब कुछ लोगों ने मिलकर यून के पेरेंट्स पर अटैक किया था मतलब उन कल्टिवेटर को किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था पर वो यही के थे यूनफेंग को वैली देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था वो कह रहा था कि मुझे सबसे बदला लेना है वैसे ये पहले से में इसे बहुत सारे पॉइस इंसेक्ट्स हैं, जिनसे बचना थोड़ा सा मुश्किल है इसीलिए अब उन इंसेक्ट्स को खत्म करना मिक्की फायर सेक्टर के लोगों के ऊपर छोड़ता है अब यहाँ से सीन चेंज होता है इसके बाद अब हम आ चुके थे इस जगह यानी की अब वैली के मास्टर के पास यहाँ पर उनका एक गार्ड आकर उन्हें बताता है कि यून फेंग और उसके साथ बहुत सारे लोग अब इस जगह पर एंटर कर रहे हैं तो अब उस जगह के मास्टर जब अपने मिरर में देखते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसीलिए वो अपने बहुत सारे गार्ड को वहाँ उन लोगों को संभालने के लिए भेज देते हैं अब यहाँ पर हम वापस से यून फेंग और सभी के पास आते हैं वो जब उसे वैली की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक उनके सामने बहुत सारे स्कॉर्पियन आ जाते हैं अब उन्हें खत्म करना आसान था यहाँ पर जो फायर सेक्टर के मास्टर थे वो बहुत ही आसानी से अब कुछ अजीब तरफवास तो कर रहे थे लेकिन वो यहाँ पर बम को फेंक कर वो वहाँ पर विस्फोट करते हैं जिससे कि वो सारे मोस्टर यानी कि स्कॉर्पियन मारे जाते हैं लेकिन इस विस्फोट के बाद यहाँ पर एक जो गड्ढा है वो हो गया था और अचानक से वहाँ पर पास आती है की तुम हमारी वैली में इस तरह से बिना परमिशन नहीं घुस सकते और साथ ही अब ये आवाज वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और अब इस फॉर्मेशन के बनने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मोस्टर आ गया था ये एक ड्रैगन मॉस्टर था इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं लेकिन फिर मिक्की हवा में आकर आक सभी को समझाता है कि उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है वो लोग आराम से इस ड्रैगन का सामना कर सकते हैं साथ ही अब वो अपना भी एक स्नेक मॉस्टर सामना करता है जो कि अब उस ड्रैगन से लड़ने के लिए गया था ये देखकर सभी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और सभी उन स्कॉर्पियन पर हमला करने लगते हैं अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी थी जिसका अंत बहुत ही जल्दी हो जाता है इन लोगों की जीत हो जाती है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो अब कुछ देर के बाद ही उस वैली के अंदर पहुँचने के में गेट पर आ चुके थे जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना हुआ था ये फॉर्मेशन साइज में बहुत ही बड़ा था और लग रहा था कि बहुत पावरफुल भी है इसीलिए सभी लोग रुक गए थे और अब इन्हें सोचना था कि आखिर इस फॉर्मेशन को अब किस तरह से खत्म किया जाए लेकिन यहाँ पर फायर सेक्टर के जो मास्टर थे वो थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाते हुए कहते हैं की इसे मैं आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं ये ने समझा रहा था कि वो इस तरह की परमिशन पर हमें थोड़ी नजर रखनी चाहिए कि ये अब किस तरह से काम करता है फिर हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर फायर सेक्टर के मास्टर जल्दबाजी में आगे बढ़ चुके थे अब वो जब उस फॉर्मेशन के अंदर जा रहे थे तभी वहाँ पर एक फायर ड्रैगन आता है और उन पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो भी तुरंत ही अटैक कर देता है और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं जिस वजह से वहाँ पर बस एनर्जी फैली थी लेकिन दोनों को ही चोट लगी थी लेकिन अब हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से अचानक से अब कुछ लड़कियां बाहर आ रही थी और ये बस एक इल्यूजन टेक्निक थी जो कि धीरे धीरे सभी को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी सबसे पहले ये यहाँ पर श्याव पर काम कर जाती है जिसके बाद वो जो इल्यूजन वाली लड़की थी वो अचानक से शिया को यून फेंग दिखने लगती है और अब शिया अब उसके पीछे पीछे जा रही थी लेकिन जब असली वाला यून फेंग अपने टैग से अब उस इल्यूजन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अब शिया जी वहाँ अब उस इल्यूजन से जाद हो हो चुकी थी लेकिन अचानक से वो अपने सामने बहुत बड़े ड्रैगन को देखते हैं, जो कि उसकी तरफ अटैक कर देता है लेकिन यूनफेंग तुरंत ही सामने आ गया था और उसने उससे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया पर इस वक्त वहाँ पर उस का एक गार्ड आता है और वो अभी इस वक्त श्याओजी पर अटैक कर रहा था लेकिन यून फेंग उसके सामने आ गया था पर अब यून फेंग को अटैक नहीं लगता क्योंकि इस दौरान मिक्की वहाँ पर आकर उस गार्ड पर भी अटैक कर देता है मतलब वहाँ पर उस के बहुत सारे गार्ड आ चुके थे जिन्हें वहाँ के मास्टर ने भेजा था और अब हम देखते ही देखते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन अब ये सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे इस वजह से वो गार्ड भी उनसे डर कर भागने लगते हैं पर लेकिन अभी भी वो सामने का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और अगर इन्हें अंदर जाना है तो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है वैसे यहाँ पर श्याजी एक नीचे मारे हुए पड़े हुए गार्ड का मास्क उतारती है और उसका चेहरा देख बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है ये देख कर उसे सभी पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो वो बताती है कि बहुत पावरफुल है ये सेवन किलर्स में से एक है और इसके पास इतनी पावर है कि इसने एक एक बार में एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट किया था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना जाता था वैसे ये सब मेन बात नहीं है मेन बात यह है की उस फो एक इम्प्रेस के लिए काम करता है अब इस चीज से लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि उस गुफा के अंदर फेक इम्प्रेस अभी भी होने की बहुत चांसेस हैं। है। वैसे तभी हम देखते हैं कि उसे देखा से वो फायर सेक्टर का मास्टर भी बाहर आ जाता है पहले इन लोगों को लगा था कि वो मर गया लेकिन वो बच गया था अब बस इन्हें फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करना था इसीलिए मिक्की यून से कहता है की हमें मिलकर अब काम करना होगा तभी हम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अब सभी को वो कहते हैं कि देखो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इसलिए सभी को इल्यूजन से बचना होगा और अब जैसे ही यून और उसके दोस्त मिक्की के साथ वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसे लेक के अंदर से बहुत सारे ड्रैगन निकलकर इन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं वैसे अभी ये लोग इन ड्रैगन को खत्म कर रहे थे पर तभी सीन चेंज होता है और अगले सीन में अब हम आ चुके थे एक दूसरे जगह पर जहाँ पर हम देखते हैं कि अब कुछ लोग जिनको ये न्यूज मिली थी वो यूनफेक्ट और मिक्की इस वक्त वहाँ पर समर्शन को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं और अब जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है वो तुरंत बहुत ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं अब इस फॉर्मेशन को पाँच जॉइ स्प्रेड फॉर्मेशन कहा जाता है अब यहाँ पर आपको स्टैचू बने थे शायद उन्हें जानवरों की की बात हो रही है अब ये लोग उस फॉर्मेशन पर काम कर रहे थे जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन इसीलिए क्रिएट होता है और अब यहाँ पर उस गेट वाले फॉर्मेशन के सामने जब यूनफे और बाकी सब लोग उन ड्रैगन को खत्म कर रहे थे तभी श्याओ जी कहती है की जरूर वैली वाले वो किसी तरह से खतरनाक फॉर्मेशन को वो क्रिएट कर रहे हैं अब इस चीज़ पर यूनफेंग कहता है कि कोई बात नहीं मैं तो यही चाहता हूँ कि उनके पास जितनी भी पावर है वो इतनी पावर उसे यूज कर ले जिससे कि बाद में ये ना कहा जा सके कि उन्हें टीम में हराया गया है हम उन्हें पूरी तरीके से हराएंगे और सबसे अब उतना कहते हुए ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है